इस मूवी को देखते वक्त अपना दिमाग बंद रखने का। अगर तुम इस मूवी में ज़्यादा घुसोगे यानी कि टेक्निकल एक्सेप्ट को देखोगे वगैरह वगैरह, तो तुम्हें ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी भाई। जिस तरह क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को बहुत ही बुरा भला बोला गया। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ हिडन स्ट्राइक मूवी की, जिसमें जैकी चैन और जॉन सीना आपको देखने को मिलते हैं। मूवी आज से एक महीना पहले रिलीज़ हुई थी। फाइनली इस मूवी को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया। बुरी खबर ये है कि मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया और इस मूवी में कोई भी अडल्ट सीन नहीं है, यानी कि ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी में कहानी फोकस करती है कि किसी रेगिस्तान में चाइनीज़ का एक ऑयल का प्लांट होता है, वहाँ पर अमेरिकन हमला कर देते हैं यानी कि वहाँ के तेल को चोरी करने के लिए, और जो कि चाइनीज़ लोग होते हैं प्रोफेसर वगैरह उनको किडनैप कर लेते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाता है जिसका हेड जो है अपना जैकी चैन देखने को मिलता है, और वहां पर यतीमों की देखभाल करता है अपना जॉन सीना। तो ये दोनों टीम बनाते हैं उन लोगों को बचाने के लिए। तो इसके बाद कान में क्या कुछ होगा उसी सब को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी पर तकरीबन 1.5 घंटा टाइम देना पड़ता है भाई। इस मूवी को देखने का मकसद एक ही होता है हर बंदे का, वो है जॉन सीना या जैकी चैन। जो कि मूवीज आपने देख रखी होंगी जैकी चैन की, तो वो वाला मजा तुम्हें इस मूवी में भरपूर देखने को मिलेगा। जो कि स्टंट आपको देखने को मिलते हैं, जो एक्शन सीन है बहुत ही कूल तरीके से एक्शन सीन को बनाया गया है, यानी कि जैकी चैन का जो भी एक्शन सीन होता है तो उसमें आपको कॉमेडी देखने को मिलती है। तो इसी तरह इस मूवी में भी इसको मैच किया गया, और जो कि इसमें भाई जॉन सीना ने उसके साथ रोल निभाया, तो वो देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोनों एक्टर्स की जो केमिस्ट्री है बहुत ही मज़ा आपको आएगा। और ऊपर से जैकी चैन की थोड़ा सा बेटी का भी इसमें डाला गया है, वो वाला एंगल भी आपको इस मूवी में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मूवी आपको भर भर के भाई मज़ा देती है। अगर ज़्यादा क्रिटिक बनोगे यानी कि गलतियाँ निकालना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हें बहुत सारी गलतियाँ मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम अपना टाइम अच्छा करना चाहते हो और इन्जॉय करना चाहते हो, जो तुम एक्सेप्ट करते हो जॉन सीना या जैकी चैन से यानी कि एक्शन, वो तुम्हें भरपूर मिलेगा और तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा मूवी देखते बाद। हम थोड़ा सा इस मूवी की गलतियों की बात करें तो भाई जो रेगिस्तान दिखाया जाता है उसकी CGI एकदम बुरी टाइप फील होती है। ऊपर से एक और चीज़ है भाई, ये रेगिस्तान वाला क्या मामला है, उसके पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं दिखाई जाती, और चाइनीज़ का क्या तल्लक है वो सब कुछ बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाता। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, यानी कि ये मूवी मासेस ऑडियंस को बहुत ही अच्छे से टारगेट करती है जो कि एकदम इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये मूवी तुम्हारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। एक्टर्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने को मिलता है, और भी मूवी देखने के बाद मेरे को तो मज़ा आ गया, और ये मूवी मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि अपना कीमती टाइम इस मूवी पर ज़रूर देना। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 3 रेटिंग दूंगा। कर दें फिर खत्म। चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।